दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में वहाँ के राजा किम जोंग के साथ साथ उनकी पत्नी के बारे में भी बताएंगे कि वो क्या है, उनका नाम क्या है। री सोल जू जैसे किम की पहली पत्नी होने का दर्जा प्राप्त है और इसी वजह के चलते री सोल को कई सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। आपको मैं बता दूं कि किम की ये शादी अरेंज मैरिज है जिसे उनके पिता ने करवाया था, क्योंकि किम के पिता को जब ये मालूम चला कि वो जल्दी ही मरने वाले हैं तो उन्होंने किम की शादी री सोल से करवा दी। और कहा यह भी जाता है कि नॉर्थ कोरिया में जब भी किसी महिला की शादी होती है तो उसका फादर और सरनेम चेंज हो जाता है, पर जब री सोल की शादी किम से हुई तो री सोल को अपना पूरा नाम बदलना पड़ा ताकि कोई भी शख्स उसकी शादी से पहले की जिंदगी के बारे में ना जान सके। इसी वजह के चलते री सोल को उसके अपने परिवार से मिलने भी नहीं दिया जाता। और तो और री सोल अगर किसी मीटिंग में भी जाते हैं तो वो किम के साथ ही जाते हैं क्योंकि उसे अकेले कहीं भी जाने नहीं दिया जाता। वैसे मैं आपको बता दूं कि किम अपने साथ दो महिलाओं को लेकर चलता है, उनमें से एक है उनकी पत्नी और दूसरी है उसकी बहन। कहा जाता है कि किम जोंग हमेशा अपना घर बदलता रहता है जिसके पीछे की दो वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि पूरा देश ही उसका है, वो जहाँ चाहे अपना घर बना सकता है। और दूसरा कारण है कि किम अपने विरोधी पक्षों द्वारा मारे जाने से काफी डरता है, इसी वजह के चलते वो अक्सर अपने रहने की जगह बदलता रहता है ताकि कोई भी दुश्मन उस तक पहुँच ना पाए। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया में बाहरी मीडिया का आना भी मना है क्योंकि अंदर की मीडिया वही करती है जो किम कहता है। इसी वजह के चलते किम के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर दोस्तों, इतने सारे रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद किम अपने शौक पूरा करने में कभी पीछे नहीं रहता और उसे महंगी चीजें रखना पसंद है, वो जिस पर भी पैसा खर्चा कर सकता है। जैसे कि उसके पास एक सुंदर सा प्राइवेट आइलैंड है जहाँ बहुत ही कम लोगों को जाने की परमिशन है, यहाँ तक कि उस जगह का किसी को पता भी नहीं है। आपको मैं बता दूं कि ये आइलैंड किसी 7-स्टार होटल से कम नहीं है, वो ये बहुत ही बड़ा और लग्जरी आइलैंड है। इस जगह पर वो सभी चीजें हैं जिससे किम हमेशा खुश रहे। जी हाँ, इस जगह पर पैराग्लाइडिंग और वाटर स्लाइडिंग से लेकर सबसे महंगी शराब बस एक ही आदेश पर मिल जाती है। आपको हैरानी होगी कि जब किसी को इस जगह पर जाने की परमिशन है नहीं तो ये बात हम आपको कैसे बता रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल इस जगह का पता हमें इस तरह से चला कि किम जोंग को बास्केटबॉल बहुत पसंद है, तो इसी वजह के चलते किम को बास्केटबॉल प्लेयर टेनिस भी खूब आते हैं। एक बार 2013 में बास्केटबॉल प्लेयर टेनिस जब किम जोंग से मिलने नॉर्थ कोरिया गए तब किम उन्हें अपने प्राइवेट यॉट से अपने इसी प्राइवेट आइलैंड पर लेकर गया जहां टेनिस एक हफ्ते तक रुके थे और जिसके बाद उस जगह की विशेषता उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। दोस्तों अगर आप किम जोंग के प्राइवेट प्लेन को देखेंगे तो अंदर से वो काफी ज्यादा सुंदर है। जी हाँ, ये एरोप्लेन कोई छोटा मोटा नहीं है बल्कि बहुत ही बड़ा प्लेन है, ये अंदर से फुल्ली फर्निश्ड है। वहीं अगर एक्सपर्ट्स की माने तो इसका इंटीरियर करने में ही 7 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए थे। आपको मैं ये भी बता दूं कि किम जोंग को केवल एरोप्लेन से नहीं बल्कि ट्रेन से भी चलना बहुत पसंद है। जी हाँ, अक्सर किम जोंग अपने विदेशी दौरों पर ट्रेन से ही जाता है क्योंकि ये ट्रेन भी किसी आम ट्रेन जैसी नहीं बल्कि 5-स्टार होटल की जैसी होती है। मगर हाँ, जब भी वो ट्रेन से सफर करता है तब वो अपने साथ 2 और ट्रेन को लेकर चलता है, यानी कि ट्रैक पर 3 ट्रेन होती है जिससे कि एक ट्रेन में किम जोंग और बाकी 2 में उसकी सिक्योरिटी गार्ड्स। आपको बता दें कि पहली ट्रेन रास्ता चेक करती है तो वहीं आखिरी ट्रेन पीछे से इनको प्रोटेक्शन देती है। आपको मैं ये भी बता दूं कि ये पूरी ट्रेन ब्लैक प्रूफ है और साथ ही साथ ये एक काली फिल्म से ढकी हुई होती है। दोस्तों, किम अपने खाने को लेकर भी काफी ज्यादा फेमस है, उसे महंगी और हाई रेटेड चीजें ज्यादा खाना पसंद है फिर चाहे उसके पूरे देश में खाने की कमी ही क्यों ना हो जाए। ऐसा ही मामला एक बार 1995 से लेकर 1999 तक देखने को मिला जब नॉर्थ कोरिया भुखमरी से जूझ रहा था। उस वक्त लाखों लोगों की मौत इसी वजह के चलते हो गई थी और कुछ लोगों को भूख लगने पर घास भी खानी पड़ी थी क्योंकि किम जोंग की गवर्नमेंट ने इससे निपटने के लिए किसी भी प्रकार की मदद नहीं की थी। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वहाँ पर सिर्फ 3 ही टीवी चैनल जाते हैं जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। नंबर 4, हर एक रात को वहाँ लाइट जाती है ताकि कोई रात को कुछ कर ना सके। नंबर 3, नो जींस इस कंट्री में बैन है क्योंकि वो इसे US इंपीरियलिज्म का सिंबल मानते हैं। नंबर 2, वहाँ पर म्यूजिक सुनने पर भी बैन है। और नंबर 1 और सबसे दर्दनाक 3-जनरेशन पनिशमेंट, जिसमें अगर कोई भी परिवार का आदमी कोई अपराध करता है तो उसकी सजा उसके पूरे परिवार को दी जाती है।